आपने भी प्रधान बनकर डबल इंजन की घर में ही सरकार बना दी बेटी की जो ग्राम पंचायत उसमें आप विकास नहीं करा पाए तो आपकी बेटी आपसे पूछती नहीं होगी कि पापा विकास की गंगा कम से कम यहाँ तो बहा दो इस तरह से आप दूसरों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते वैसे जाड़ोल के साथ में लगातार भेदभाव कर रहे हैं सत्तर प्रतिशत स्कूलों में स्टाफ नहीं है और अस्सी प्रतिशत स्कूल जर्जर हो चुके हैं जैसा हादसा हमारे उदयपुर में हुआ है वैसे हालात आपके क्षेत्र में बनने के कगार पे खड़े हुए हैं लेकिन कई गांव अभी भी ऐसे हैं जिस पर आप वोट मांगने गए लेकिन दोबारा वापस उस देरी पर कभी नहीं चढ़े बहुत बहुत धन्यवाद आपका बेबाक अंदाज को इतना प्यार स्नेह और भरोसा देने के लिए हमने अभी तक तीन विधायक के इंटरव्यू किए हैं उनके आपके सवाल आप जनता तक पहुंचाए हैं आज हम पहुंच चुके हैं जाड़ोल जाडोल के विधायक बाबूलाल जी खराड़ी हमारे साथ में हैं और जनता के भेजे हुए सवाल की पूरी फेर फेरहिस्त हमारे हाथ में है उनसे सवाल जवाब करेंगे एक मोटे मोटे तौर पर बाबूलाल जी के लिए कहा जाता है कि उनकी ईमानदार छवि है और जाडोल क्षेत्र में भाजपा को गढ़ बनाने में बाबूलाल जी का अहम योगदान रहा एक बार जिला परिषद सदस्य रहे एक बार प्रधान रहे तीन बार विधायक रहे लेकिन बाबूलाल जी का जीवन है वो नहीं बदल पाया और वो आज भी एक सामान्य परिवार में रहते हैं सामान्य घर में रहते हैं और इसको लेकर का, काफी चर्चा में रहते हैं अभी हाल ही में उनकी ईमानदार छवि के लिए राष्ट्रपति की सूची में भी उनका नाम आया हालांकि उनका इस पर क्या कहना है हम एक बात करेंगे दो बच्चे हैं और दो पत्नियां हैं उसको लेकर भी हम बात करेंगे आइए हम बात करते हैं संघ पृष्ठभूमि से जुड़े हुए भाजपा के कद्दावर और आदिवासी नेता बाबूलाल जी खराड़ी से बाबूलाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद सर तो आज आपका राजनीतिक कैरियर कैसे शुरू हुआ था एक शिक्षक के तौर पर आपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी कैसे शुरुआत हुई देखिए राजनीति में मैं दुर्घटना बसाया अच्छा एक्सीडेंट एक्सीडेंटली राजनीति में काम करने एकसिदे की इच्छा थी नहीं मैं बचपन से स्वयंस्वक था संघ का काम करता था और मेरी रुचि संघ में काम करने की ही थी मैं बरियासी त्रियासी में पंचायत समिति में संविदा के रूप में अध्यापक बना पाँच साल तक मैंने नौकरी की पंचायत समिति की और संगठन की मंशा थी कि ये राजनीति में काम करें समाज सेवा में रुचि थी तो हो सकता है उनकी कोई मंशा होगी लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी उन्नीस में मुझे संघ के दायित्व से मुक्त करके अच्छा। और राजनीति में मुझे दायित्व दिया जब मुझे उस समय भारतीय जनता पार्टी का वहां पर कोई इतना जनादर था नहीं मुझे युवा मोर्चा का मंडल दस की घोषणा हुई घोषणा होने के बाद में मैंने संगठन के लोगों कहा कि मैं राज्य में काम नहीं करूं तो उन्होंने कहा आपको उधर ही काम करना है तो जैसी संगठन की इच्छा मैंने अपना काम शुरू किया और काम शुरू किया तो पहली मेरी जो बैठक थी तीन लोगों की बैठक थी अच्छा तीन लोगों ने हमें बैठक की और बैठक करने के चाय पी करके हम बिखर गए हमने कहा भाई संगठन ने जब इस तरह से हमें राजनीति में भेजा तो राजनीति में काम करना चाहिए राजनीति का तो जनादर बढ़ाना चाहिए तो हम लोगों ने धीरे धीरे कुछ हमारे साथ पढ़ने वाले मित्र थे उनको साथ लिया और लोगों को साथ जोड़ा जोड़ करके हमने एक थोड़ा सा काम को बढ़ाया वहाँ पर वनवासी कल्याण परिषद का, का काम पहले से था जिसके कारण से वनवासी कल्याण परिषद का वहाँ पर काफ़ी होल्ड था जनादर था और इसके कारण से हम धीरे 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 संगठन का काम बढ़ाते गए और बड़ा करके आज जो स्थिति है वो वनवासी कल्याण परिषद उनके योगदान से और उसके बाद में हमारे छोटे से प्रयास से भारतीय जनता पार्टी एक कोटड़ा में एक अच्छे स्थिति पे हम लोग हैं मुझे चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी उन्नीस में ये थ्री टायर वाला सिस्टम वाला पंचायत समिति जिला परिषद ये सिस्टम आया भैरू सिंह जी शेखावत के कारण तो एक मुझे कहा गया कि भाई आपको जिला परिषद एक पंचायत समिति में प्रधान महिला थी तो उनकी इच्छा थी कि आप चुनाव लड़ें और आप जिला परिषद का लड़ें आज हमारे महामहिम राज्यपाल हैं मान्य गुलाब जी कटारिया जो हमारे एक गुरु के रूप में हम मानते हैं हमारे आदर्श भी हैं हम दोनों की मीटिंग चल रही थी पंचायत समिति की और जिला परिषद की टिकटों को लेकर के चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा आपको जिला परिषद चुनाव लड़ना है तो मैंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा mm. उन्होंने कहा लड़ना पड़ेगा मैंने कहा भाई साहब नहीं लड़ूंगा मैंने कहा आपकी पंचायत समिति हम बना देंगे जिला परिषद चार सीटें कोडा की चारों सीटें जीता के दे देंगे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो गुलाब जी बड़े साफ बोलते थे थोड़े कड़वाई बोलते थे तो मुझे उन्होंने कहा जखमरा ने राजनीति में आया क्या जखमरा ने राजनीति में आए आयो अच्छा चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा मुझे जरूरी नहीं पंचायत समिति बने तो बाकी जीते उनके आग्रह के सामने हम क्या थे और चुनाव लड़े तो पहली बार में कुछ क्षेत्र से हमने प्रधान भी बनाया केवल तीन कांग्रेस के सदस्य जीत पाए थे इक्कीस में से बाकी दो कम्युनिस्ट के थे पंद्रह भारतीय जनता पार्टी के थे ऐसा करके हमने स्पष्ट बहुमत पंचायत समिति में और चार में से तीन सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में जिला परिषद की आई जिसमें मैं भी हूँ उसके बाद में 98, में 98 से पहले मुझे विविध दे, दायित्व देते देते मुझे जिले देहात उदयपुर जिले का जिला महामंत्री का दायित्व दिया और पार्टी ने मुझे एक मोटरसाइकिल निकाल के दी थी की शोरूम से अच्छा दो दिन में कार्यालय पर रुकता था उदयपुर हम सोमवार मंगल और बाकी दिन फील्ड में घूमना पार्टी पेट्रोल का खर्चा पार्टी बैन करती थी इस प्रकार से मेरा घूमना फिरना चालू था 98 में आ, मुझे चुनाव लड़ने की मंशा थी हमारे उस समय महासचिव माननीय गोविंदाचार्य थे जो भाजपा के चने के कहा जाते थे वो छोटी बैठकें लेते थे वो उदयपुर में आए और उदयपुर में आए तो हम 25 लोगों की बैठक थी रात्रि बैठक थी उन्होंने सबसे पहले हमसे सवाल किया कि इसमें चुनाव कौन नहीं लड़ेगा तो मैंने कहा भाई मैंने सबसे पहले मैंने हाथ खड़ा किया मैं चुनाव नहीं लडूंगा उन्होंने अपनी डायरी में नोट किया दो लोगों ने और खड़ा किया जब चुनाव प्रक्रिया चल रही थी टिकट घोषित हो गए झाड़ूर का टिकट घोषित नहीं हुआ था और मुझे उदयपुर ही में था लास्ट डे फार्म भरने की अगले दिन थी और आज जैसे कल फार्म की लास्ट डेट है आज मुझे फोन करके कार्यकर्ता को बता दिया बाबूलू जी को ला करके फार्म भरा दो उनका फार्म टिकट फाइनल हो गया अच्छा। उस समय बेसिक फोन थे तो मोबाइल थे नहीं कार्यकर्ता घर पे गए घर पे नहीं मिला उधर मुझे पूछे टिकट की दिला रहे हो तो मैंने कभी टिकट तो पार्टी जिसको भी दी उसको दिलाई है हमारा विषय नहीं वो बहुत तय करेंगे तो जब मुझे गोगुंदा कार्यकर्ता ने फोन किया मैं उस समय जिला अध्यक्ष शहर के ताराचंद जी थे तो उन के वहाँ बैठा हुआ था तब फ़ोन आया कि भाई बबला जी कहाँ हैं तो यहाँ बैठे हैं तो बात कराओ तो बात की तो भाई आपका टिकट फाइनल हो गया आप के वहाँ गए मिले नहीं हम आपके जन मैंने कहा तुम मजाक कर रहे हो मैंने चुनाव लड़ने के लिए मना किया मेरा टिकट कैसे होगा कि नहीं आप आ जाओ फिर उदय जयपुर से सूचना गई मैं गया और रात को साढ़े ग्यारह बजे मैंने फोटो खिंचाई ये मेरी तैयारी थी अच्छा कोई तैयारी नहीं थी स्टूडियो उठाया फ़ोटो खिंचाया फिर घर पे गया मुझे झालौर के कार्यकर्ताओं ने सम्मान दिया मेरे पास एक ड्रेस हुआ कर दी थी उन्होंने तीन चार ड्रेसे सिलवा दी अच्छा और सिक्योरिटी का पैसा उन्होंने जमा कराया मैंने फार्म भरा मैं चुनाव लड़ लिया हार गया अपना काम शुरू रखा 2000 में पंचायत समिति के चुनाव थे तो मैंने कहा भाई एम का चुनाव बाबूलाल खड़े लड़े प्रधान बाबूलाल लड़े तो मुझे नहीं लड़ना है लेकिन संगठन की इच्छा थी कि आपको लड़ना है मैं पंचायत समिति चुनाव लड़ा मैं प्रधान बना और 2003 में मुझे फिर पार्टी ने टिकट दिया तीन में मैं विधायक बना और तीन से तेरह तक मैं लगातार विधायक रहा तेरह में अनुकूलता थी सत्ता भी आनी थी सारी अनुकूलता थी लेकिन अब क्या हुआ ये हम लोगों को समझ में नहीं आया सब प्रकार से रिपोर्ट पॉजिटिव थी मीडिया प्रशासन की सीआईडी की सारी रिपोर्ट राजनीतिक सारी प्लास्टिक पे जीत रहे हैं और अंत में मैं चार हजार वोटों से पिछड़ गया हम संगठन कार्यकर्ता हमने काम शुरू रखा कोई जीतना हारना ये हमारा विषय नहीं है हमें काम करना इसलिए काम करने के तरीके से हमारा काम चलता रहा अठारह में फिर मुझे उम्मीदवार बनाया फिर जनता जनार्दन जना आशीर्वाद दिया अभी एम एल हैं अपना काम कर रहे हैं एक आपके लिए आपके क्षेत्र में लोग कहते हैं कि भाई सरपंच या कोई जनप्रतिनिधि बनता है तो बनते ही डबल इंजन की सरकार की तरह घर में भी डबल इंजन आ जाता है और डबल शादी करनी पड़ती है आपने भी प्रधान बनकर डबल इंजन की घर में ही सरकार बना दी तो ये क्या जरूरी है? क्या है कि आपके क्षेत्र में रस्म है या कोई देखिए ऐसा कोई रस्म तो नहीं है लेकिन वहाँ पर कुछ कामकाज की अधिकता रहती है खेतीबाड़ी भी है जब आदमी राजनीति में जाता है तो व्यस्त बढ़ती है तो घर का काम संभालने के लिए आ, ऐसा सोचता है भाई चलो एक पत्नी है वो ज़्यादा बिजी रहती तो दूसरी होगी तो वो काम करेगी ऐसा है, कोई प्रचलन तो नहीं है लेकिन ऐसा होता तो ये दुर्घटना बस हो जाता है कई बार बात सर, जितने सरपंच से लेकर जितने देखेंगे हमने एक सूची तैयार की तो उसमें सारे डबल इंजन वाली सरकार नहीं, सारे नहीं होंगे और थोड़ा सा देख लेंगे तो एकल परिवार भी है अच्छा। वो लोग भी हैं, एक पत्नी का परिवार भी है ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है एक आदिवासियों में एक प्रचलन है कि वो बहुविवाह कर सकता है उसकी कोई रोक नहीं है हमारे राजा महाराजा के समय वो बहु पत्नी प्रथा थी और ये आदिवासी हमेशा से जमीन से जुड़ा हुआ है और इस धरती के लिए इस मातृभूमि के लिए बलिदान देने वाला है तो ये कहीं कहीं परिवारों से जुड़ा हुआ रहा है इसके कारण से बहुविवाह है उसका कोई विरोध नहीं करता है तो ऐसा हो जाता है बाकी ऐसा कोई प्रचलन नहीं है कोटड़ा की एक मुख्य समस्या हम समस्याओं पर आते हैं, जनताओं के सवाल पे आते हैं कोटड़ा की बहुत भारी समस्या है कि कोटड़ा में अनिश्चित काल के लिए कटौती हो जाती है अभी भी थोड़े दिन पहले आपने खुद ने धरना दिया था प्रदर्शन हुए थे उसमें अनिश्चित काल के लिए कटौती हो हो जाती है आज तक बिजली नहीं पहुंची बहुत सारे ऐसे गांव भी हैं जिसमें आज दिन तक बिजली नहीं पहुंची है जनता के काम अटक जाते हैं तो आपने तीन बार सरकार आप विधायक रहे तो क्या आज भी ऐसी हालत है उसके जिम्मेदार आप हैं या फिर कोई और है देखिए मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा भैरू सिंह शेखावत को भैरू सिंह जी शेखावत सीतोत्तर में मुख्यमंत्री बने उस समय हमारे यहाँ के एम एल ए लालू दासी हुआ करते थे जनता पार्टी के उस समय भारत जनता पार्टी नहीं थी जनता पार्टी जनसंघ को आ, क्योंकि कांग्रेस की तानाशाही थी इसको देखते हुए हमने आ, कई दलों ने मिलकर के एक अलायस किया था गठबंधन उसमें जनसंघ को जनता पार्टी में विलय किया और मिल करके चुनाव लड़े और देश में मुरार देसाई में सरकार बनी भैरू सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे लालू सिंह ने उस समय कहा कि हमारे यहाँ बिजली कैसी होती लोग जानते नहीं तो भैरू सिंह ऐसा भी है क्या तो पहली बार झाड़ोल और कोरडा में बिजली पहुंची वो कस्बे में गाँवों का तो कोई कल्पना नहीं कर सकता है और उसके बाद में भैरू सिंह जी मुख्यमंत्री नहीं रहे जब बीच में कांग्रेस की सरकारें रही कांग्रेस के मन में कभी आदिवासी का हित चाह ही नहीं आदिवासी का भला चाह भी नहीं mm. क्योंकि वो कांग्रेस ये समझते थे कि आदिवासी जब तक गरीब रहेगा mm. अनपढ़ रहेगा mm. तब तक वो कांग्रेस को वोट देता रहेगा कांग्रेस का वोट बैंक रहेगा mm. ये उनकी एक सोच थी mm. और उस कारण से आदिवासी का विकास नहीं किया mm. वो अंधेरे में रह रहा था मान्य वसुंधरा जी की सरकार बनी तब हमने कहा भाई बिजली जानी चाहिए तो बिजली कुछ गाँवों में गई अधिकतर गाँव बिजली पहुंची तब लोगों ने देखा कि बिजली ऐसी होती हमारे देश के प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात तो एक हिंदुस्तान का विकास मॉडल है और उन्होंने प्रत्येक घर पर बिजली पहुंचाई वो देश के प्रधानमंत्री बने चौदह में उन्होंने सौभाग्य योजना बना करके प्रत्येक घर को बिजली पहुंचाने का काम किया आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कई फले और कई गांव आज भी वंचित हैं लेकिन अधिकतर गांवों में बिजली पहुंची है तो उस योजना के कारण पहुंची है और जो वंचित रहा उसका क्या करने? जो वंचित रहे वो इसलिए वंचित रहे कि मैं विधायक बना तो मैंने जो योजना बनी थी उसमें निःशुल्क कनेक्शन करने थे खम्बे भी ले जाने खड्डे भी खोदने लाइन भी खींचना मीटर लगा करके उनको देना था लेकिन ठेकेदारों ने एक प्लानिंग पूर्वक ये किया कि भाई एक खड्डा यहाँ खोदो पांच मकान छोड़ करके खड्डा खोदो ताकि कहे भाई तुम्हारी लाइट नहीं आ रही है तो उनको कहते भाई खंबा भी ले जाओ खड्डा भी खोदो और खड़ा भी करो ये स्थिति ठेकेदारों ने बनाई तो हमने कहा ये तो भ्रष्टाचार हो रहा है मैंने विधानसभा में इस बात को उठाया उठाने के बाद में ठेकेदारों पर प्रेशर पड़ा प्रेशर पड़ने के बाद में उन्होंने इस काम को धीमी गति से किया जिसके कारण से वो काम पूरा हो नहीं पाया योजना बंद हो गई योजना बंद हो गई तो हमने बार बार कहा लोग रह गए कुछ गांव नहीं जुड़े जिसके पीछे कारण है जो फॉरेस्ट का कारण जहां जहां सेंचुरी एरिया है या सामान्य फॉरेस्ट है वहां पर फॉरेस्ट वाले ना तो खंबा जाने देते हैं ना लाइन जाने देते हैं ना सड़क जाने देते हैं आज भी कई गांव हैं हमारे झाडोल में माल सरवण ऐसे अनोखे गांव और कोटडा में पूरी की पूरी पंचायतें जो उमरिया पंचायत पूरी पंचायत फॉरेस्ट में है महद आदि पंचायत अब तीन पंचायतें होगी बेडादर और खोखरा ये पंचायतें अधिकतर फॉरेस्ट में हैं न तो आज तक सड़क गई न बिजली गई उसके पीछे फोरेस्टर कानून हमने काफ़ी प्रयास किया कि भाई कम से कम बिजली जाने दो लेकिन वो नहीं जाने दे इस कारण से वो गांव आज भी बिजली और सड़क से वंचित थे हमने कई बार विधानसभा में इस विषय को उठाया आपने मेरे विधानसभा की कार्रवाई देखेंगे तो हर समय ये उठाया कि भाई सड़क और बिजली पानी आज मूलभूत हमारी सुविधा है वो नहीं पहुँची उसके लिए हम दोषी हैं हमको इसका रास्ता निकाल करके को इनको रास्ता निकाल करके इसको आगे बढ़ाना चाहिए तो उनको बिजली पहुंच सके परसों हमारे में कोड़ा में धरना था कोड़ा में बिजली आती है जाती है है, आपने कहा सही बात है। उसके पीछे कारण यह है कि हमारे कोडा की दुर्दशा है कोड़ा में बिजली आती जोधपुर डिस्कोम से और कोटडा उदयपुर जिले में वो अजमेर डिस्कॉम अब जोधपुर डिस्कॉम वाला आपकी हमारी चिंता क्यों करेगा वो तो उधर की चिंता करेगा वो सिरोई होकर के सर्वगंज होकर के वो लाइन आती है हमने कई बार कहा उदयपुर से जोड़ो नहीं जुड़ा फिर हमने कहा नहीं जोड़ते तो 132 सौ के वी जीएसएस आप बनाओ 132 सौ के वी जीएसएस बार बार आग्रह करने के बाद में भी पिछली बार दो साल पहले मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा की आप देख लीजिए मुख्यमंत्री की बजट घोषणा है मुख्यमंत्री ने कहा कि कोटडा में एक के वी केवी की जीएसटी की घोषणा करता हूं जमीन ढूंढी जमीन ले ली जमीन की बाउंड्री हो गई बाउंड्री हो गई और अभी उनको रोक लिया कि कोटा में लोड नहीं है अब मैंने इलेक्ट्रिक बोर्ड के अधिकारी से पूछा लोड भी है सब कुछ सरकार करना नहीं चाहती क्योंकि सरकार की तुष्टिकरण ये है का का विधायक बीजेपी है भारतीय जनता पार्टी का इसलिए काम नहीं करना अब मुख्यमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं बजट घोषणा की मुख्यमंत्री के बतौर आपने की तो फिर मुख्यमंत्री यही करेगा क्या थोती घोषणा करेगा क्या ये ठीक है क्या ठीक नहीं है हुँ. आप विधानसभा में उस पटल पर खड़े होकर के और आपको पूरा हिंदुस्तान देखता है वहां पर जिम्मेदार व्यक्ति के नाते एक मुखिया के नाते आप घोषणा करते हो और आप मुख्य जाते हो ये ठीक नहीं है आप कहते हैं कि भाई कि सरकार है राज्य में बैठी हुई सत्ताधारी सरकार है वसुंधरा जी की टाइम पे भी था आप ये सारी चीजें करवा सकते थे आपके देखो था ये सारी चीजें ये बिल्कुल बात सही है वसुंधरा के समय भी हमने कहा लेकिन उस समय वसुंधरा जी ने झाड़ोल में 132 केवी जीएसएस की घोषणा की उसका काम शुरू कर दिया तब तक ये सरकार चलेगी तो कोड रह गया बाकी उस समय बिजली पहुंचाने का गांव-गांव पहुँचाने का काम उन्होंने शुरू किया था अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना बना करके वो पहुंचाई है बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिसमें आज दिन तक बिजली नहीं है सड़क नहीं है पानी की समस्या है आपकी बेटी बड़ली से ग्राम पंचायत की सरपंच है तो आपकी बेटी की जो ग्राम पंचायत उसमें आप विकास नहीं करा पाए तो आपकी बेटी आपसे पूछती नहीं होगी कि पापा विकास की गंगा कम से कम यहाँ तो बहा दो बाकी तो रहने देना देखिए ये बात आपकी सही है कि बेटी की अपेक्षा है कि मैं सारे काम कराऊं लेकिन आप भी जानते हो मैं भी जानती हूँ कि विधायक के पास में कितना फंड होता है पाँच करोड़ अभी हुआ पहले हमारे पास ढाई करोड़ था और हमारे झाड़ोर और कोर्डा की ग्राम पंचायत है सौ के आसपास में और सारी पंचायतों में हमारे सरपंच भी हैं और हमारा सरपंच जहाँ पर नहीं है तो हम तो किसी के साथ में तुष्टिकरण राजनीति करते नहीं हैं वहाँ पर हमारी जनता है जो हमें वोट देने वाली है उसके लिए हम वहाँ काम करना चाहिए हमको जब उसके मन में वोट देगा नहीं भी देगा तो उसके विकास के लिए हमको काम करना चाहिए तो हम सारे परिस्थितियों को देख करके जहाँ हमको लगता है वहाँ पर कार्यकर्ताओं से पहुँच करके सरपंचों से पूछ करके जनता की जो डिमांड आती है उसको देख करके हम काम देते हैं तो बंटवारा करते करते हमारे पास में कुछ बचता नहीं अगर मेरी बच्ची है ये सोच करके मेरी बच्ची को मैं ज़्यादा काम दे दूँगा तो बाकी के अच्छा बच्ची को तो काम दे दिया ना, हमको नहीं दिया कम से कम उनकी राजनीति तो चल, चल, चल पड़ेगी देखो रा, राजनीति हमको चलानी नहीं है हमको जनता का भला करना है तो जनता का भला हो ही नहीं रहा है विधायक साहब जनता का भला हमको करना इसलिए हम सबको बराबर बांट के देते हैं और मैं बच्ची को सबसे ज्यादा पैसा दे दूंगा तो बाकी लोग मुझे कहेंगे हमारे साथ में आप भेदभाव करते हो तो बराबर हिस्सा जितना आता है मेरी बच्ची को भी देता हूं बाकी जगह भी मैं बंटवारा करता हूं भेदभाव से याद आया कि आप कोटड़ा से भारी मतों से जीते फलाशा में और आप जाडोल में एवरेज मतों से विजय रहे लोगों का ये आरोप है कि जिस तरह से आप दूसरों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते वैसे जाडोल के साथ में लगातार भेदभाव कर रहे हैं ये मेरा दुर्भाग्य है मुझे कोडा वाले कहते हैं कि आप कोडा का विकास कर रहे हो जाडोल का विकास कर रहे हो और जाडोल वाले कहते हैं कि कोडा का विकास करते हो तो ये तो किसी का मुंह तो बंद कर नहीं सकते हो लेकिन जहाँ तक जाडोल का सवाल है कॉलेज हम लेके आए ये जो बहुत बड़ी जो सड़क है हाईवे निकला है ये भी हमारे प्रयास से आई हुई है झाड़ोल कि ये ओगना से लगा के पानरवा था जब मैं पहला 98 एट का चुनाव लड़ा तब भी कच्ची थी तीन का लड़ रहा था तब भी वो कच्ची थी और मेरे बनने के बाद उसको मैंने डामर से चुनवा दिया पूरा तो पूरा ये आप कभी उधर जाए तो देख लिए ढाला एक आ, ये नाल नामा जो पंचायत है ये कभी देखना ये ऐसा था कि ये घाटा चढ़े तो सीधे कोल्यारी पंद्रह किलोमीटर पंद्रह भी नहीं है पंद्रह ही लगभग होगा और यूँ घूम के आओगे तो तीस चालीस किलोमीटर घूम के आना पड़ता मैं तीन का चुनाव डरा था तो वहां मेरी मीटिंग थी एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा बहुत प्रभावशाली व्यक्ति था उसने कहा कि बाबूला जी आपको वोट तो देंगे लेकिन ये घाटा हमारा करना तो मेरे इस मुंह से निकल गया मुझे जिताओ कोशिश करूंगा मैंने घोषणा नहीं की और जीतने के बाद में जब वो घाटा मैंने वहां बना करके लेके गया तो उस व्यक्ति ने खड़े हुए कि बबूला जी आपने जो कहा जो किया ऐसे कई काम है जैसे हम अपन ये नालवा से अम्बा से जाते हैं ये सड़क डब्ल्यू बी एम हो रखी थी सेंक्शन थी गिट्टी बिछ रखी थी लेकिन फॉरेस्ट के कानून के कारण वो सड़क नहीं बनती थी मैंने लोगों को कहा मैं अगर मुझे, मुझे आप जीताते हो तो मैं प्रयास करूंगा इसको डामर कराऊं। विधायक बनने के बाद में उस सड़क पे डामर मैंने कैसे की वो विषय मैं नहीं कहूंगा क्योंकि ये विषय मीडिया में जाएगा और कारण होंगे लेकिन आज अम्बासा तक डामर उस समय हमने तो जाडोल के लिए कुछ नहीं किया ऐसा नहीं है को हमने ये पंचा समिति, समिति का। कार्यालय जो है वो आप जाडोल वाले लोगों का कहना है हैं आपकी सुविधा के अनुसार आप एक बता दीजिए एक्सीएन ऑफिस को छोड़ करके एक्शीएन ऑफिस का कारण यह था कि कोटा एक पिछड़ी तहसील है और बहुत दूर की है इसके कारण से उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी का जो एक्सीन ऑफिस है वो ऑफिस कोडा होना चाहिए एक डिपार्टमेंट को छोड़ करके आप पूरी जांच कर दीजिए एस पहले से जानूल था कोडा में तो बाद में बना तहसील पहले से जारूल थी कोडा भी पहले से थी फलासिया उप तहसील थी अभी मुख्यमंत्री जी ने तहसील बना दी अभी मुख्यमंत्री जी ने तो ओगना को भी उप तहसील की घोषणा की तो फायदा फायदा भाजपा होगा 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 या कांग्रेस देखिए किसको वो चुनाव के बाद पता लगे लेकिन हमने फलासिया को पंचायत समिति दी हमको कितना फायदा हुआ ओगना में उप तहसील की घोषणा मुख्यमंत्री ने पब्लिक घोषणा की है अभी मैं गया तो ओगना वालों ने कहा कि साहब वो तो रोक दी नहीं बनाएंगे ये तो कब क्या कहा कब मुकर जाए कोई पता नहीं है इसलिए इन घोषणाओं से इन कामों से अभी जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रहे हैं छोटे छोटे जिले बना रहे हैं साढ़े चार साल तक मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपस में लड़ते रहे और जनता के पैसे का पूरा का पूरा अपनी कुर्सी बचाने में उपयोग किया और अब कितना भी कर ले जनता को तो पता है ना साढ़े चार साल तक आप कहा थे कोरोना काल में लोग मर रहे थे ये होटलों में ऐसा कर रहे थे और उनकी सुरक्षा में हमारी पूरा पूरा का प्रशासन लगा हुआ था तो ये जनता को पता नहीं क्या आज आप एक दिन में दो दिन में बांट दोगे फिर चार साल तक साढ़े तक सो जाओगे ना तो जनता को पता है ये सारी आपके क्षेत्र में तो सारी सरकारी योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है तो फिर उससे नहीं योजना का लाभ तो पहले मिताज हो ही जा थी उनकी इन्होंने नयापन क्या कर दिया उससे आपको नुकसान होगा या कांग्रेस को फायदा होगा? कोई नुकसान नहीं होगा न कांग्रेस का भला होने वाला है। तो कोरोना में गेहूं मुफ्त में दिए उस पर बंद कर दिए साल डेढ़ साल तक तो इन्होंने नहीं दिया मसाला वसाला सब फ्री में आ रहा वही हूँ बंद कर दिया केंद्र सरकार ने तब से लगा करके अब तक पांच किलो गेहूं फ्री में दे रहा है उन्होंने कभी कहा कि भाई हम दे रहे हैं इन्होंने कहा चुनाव आते ही नहीं, नहीं मैं भी फ्री बांटता हूँ आपको दाल भी दूंगा और मिर्ची भी दूंगा और मसाला भी दूंगा मसाला और मिर्ची के विषय में आपने देखा होगा लोगों के कई वीडियो आए हैं सोशल मीडिया पे भी आए हैं आपने देखा होगा सारा का सारा मसाला कचरा है अच्छा। लोगों ने कहा खाने योग्य नहीं है आपकी ये दाले आती है वो सारे सारी की डीपड़ी दाल आ रही है लोग कह रहे हैं इसको क्या करे खाएंगे मरना क्या खाए लोग फेंक रहे हैं लेकिन मोबाइल तो अच्छा वाला आ रहा है जनता के लिए मोबाइल भी अच्छा नहीं आ रहा है मोबाइल भी जो कंपनियों के बिक नहीं रहे थे उन मोबाइलों को उनको लेकर के बांट रहे वो चल नहीं रहे हैं लोग कह रहे हैं इनको करे क्या कहीं कहीं तो विस्फोट हो गए हैं अब क्या करोगे इसको एक आपके कोटड़ा कोटड़ा की बात कर रहे हैं कोटड़ा पंचायत समिति में चक सांड मारिया और बुजा नागा बनाने की घोषणा हुई है बांध के क्षेत्र में नौ ग्राम पंचायतों के पचास हजार लोग विस्थापित होने के कगार पे खड़े हैं तो क्या उनकी समस्या का समाधान होगा या उनको गांव छोड़ना पड़ेगा देखिए इस विषय को लेकर के मैंने विधानसभा में जब जब मुझे मौका मिला मैंने कहा ये नौ ग्राम पंचायतें और हजारों लोगों का विस्थापन होगा जमीन आपके पास है नहीं है एक बार आप उनको पैसा दे दोगे पैसा वो खर्च कर देगा उसको जमीन कहीं मिलेगी नहीं उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उनके परिवार के परिवार नष्ट हो जाएंगे ऐसे कई लोग हमने देखे हैं मैंने कहा कोडा ने दो बांध बना करके जोधपुर को पानी दे ही रहा है सई डेम और कालीबोर दो बांधों का पानी हम जोधपुर को दे रहे हैं फिर कोडा में पानी बरसता है इसका मतलब ये है कि लोगों को सब विस्थापित करोगे भगा दोगे पानी सारा जोधपुर ले जाओगे जोधपुर में पानी नहीं बरसता इसकी जिम्मेदारी कोडा की है क्या हमने कहा कोटा में बाध नहीं बनने चाहिए और ये लोग विस्थापन कारण ये है कि वहां पर कई लोग बिलाना में ज़मीन पर बैठे अच्छा। सबके खातेदारी जमीन ये तो ये तो देख रहे भाई खातेदार इतने ही है कई लोग पास में पड़त जमीन है इस जमीन पर वो खेती कर रहा अपना जीवन चला रहा अपना परिवार चला रहा है उस व्यक्ति को कुछ नहीं मिलना है वो तो हमेशा के लिए खत्म हो गया वो जाएगा कहा समुद्र में जाकर के मरेगा क्या उस तालाब में जाकर के मरेगा क्या ये सारी की सारी बातें मैंने विधानसभा में कही है दूसरा जिनके मकान बने हुए हैं, एक भी मकान का पट्टा नहीं है नियमानुसार उनको मुआवजा नहीं मिलेगा अच्छा उन लोगों क्या होगा क्या करेंगे और ये सारा पानी रोक करके जोधपुर ले जाओगे इन लोगों के जीवन मूल्यों पर खेलवाड़ करके तुम पानी वहां ले जाओगे ये संभव उनको पानी पिलाओ हमें तकलीफ नहीं है उनको पानी मिलना चाहिए लेकिन गुजरात से अपना ये नर्मदा का पानी आ रहा है उस पानी आपकी तरह से क्या प्रयास हुए हर समय विधानसभा में उठाया और धरने प्रदर्शन जितने करने थे कि ये अभी भी परसों धरना था उस पे वो पॉइंट भी हमारा था और ये सरकार इतने मतलब जनता की सुनती ही नहीं है जितने बार भी हमने धरने प्रदर्शन किए कोई आके बात करने को तैयार नहीं पिछली बार सात दिन आठ दिन तक लोग बैठे रहे कोई आके सुनने को तैयार नहीं अच्छा जरूर कलेक्टर साहब एक बार आए उन्होंने कहा कि साहब मैं प्रयास करूंगा तो आप तो हमको विश्वास दो कोई बात नहीं बनेंगे बैंकों में स्टाफ की कम कमी नहीं है बैंकों की परेशानी आदिवासी क्षेत्र में बड़े चरम पर है क्योंकि वहाँ पैसे निकालने के लिए कतार में खड़े रहना पड़ता है कोई एटीएम की सुविधा नहीं है स्टाफ नहीं मिलने से त्योहारों के सीजन में रक्षाबंधन होली दीपावली ऐसे कई बार तो उनकी फिक्की हो जाती है ये त्यौहार सारे तो आपने खुशियाँ देने का वादा किया था क्या आप वो वादा भूल गए या आपको याद है देखिए आपकी बात सही है कि बैंकों में स्टाफ कम है हमने बार बार कहा का स्टाफ बढ़ाइए और दो नेशनल बैंक है पीएनबी और स्टेट बैंक स्टेट बैंक दो बैंकें हैं उनके यहाँ बड़ी बड़ी लाइने लगती हमने आंखों से भी देखा है आदमी आता लाइन में खड़ा होता है और जाते जाते ऑफिस के बाद बैंक बंद हो जाता वो चला जाता फिर दूसरे दिन आता है फिर लाइन में लगता है फिर वहाँ तक जाता फिर बंद हो जाता ऐसे चलता है जहाँ तक आपने कहा कि वहाँ पर ए नहीं है पी का ए है स्टेट का भी ए है लेकिन उनमें पैसा कई कभी होता, होता कभी नहीं होता और आदिवासी अनपढ़ आदमी है सबके पास ए नहीं है सबके पास ए है तो उनको निकलना नहीं आता कई प्रकार की समस्या है तो एक जी एक समस्या ये है कि बैंक में जब स्लिप भरवाने तक में फ्रॉड होता है जब स्लिप भरवाने वाला तक पैसे लेता है ऐसी हालत है बैंक देखिए ये बात आपकी सही है कि वहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं अब नई जनरेशन पढ़ी लिखी आ रही है जो अनपढ़ हैं आज भी वहाँ पर आ, मुनीम बैठे हुए हैं टेबल लगा करके वो बढ़ते हैं वो सौ पचास रुपये जितने का हिसाब से वो साथ वो पैसे लेते हैं लेते ही है बात बिल्कुल सही है लेकिन उनकी मजबूरी है कि भाई मेरी पर्ची तो कोई भर रहा है अब ये बैंक बैंकर्स तो वहाँ कर नहीं सकते व्यवस्था अब ये है हमारे सामने जो हमारी जो एजुकेशन में होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है जिससे एजुकेशन आएगी ये सारी चीज़ें ठीक होगी आप बैंकों से ये भी तो वहाँ तक बात पहुँचा सकते हैं क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं कि भाई आपके आदिवासी क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति को एक एकल खिड़की या ऐसी कोई सुविधा दी जाए जहाँ पर वो ऐसे अगर अनपढ़ है या कुछ समझदार नहीं है तो वो वहाँ जाके वो फॉर्म भरवाया जाए आपकी तरफ से प्रयास होने चाहिए हमने ये कहा है कि या तो रिश्ता बढ़ाओ या फिर बैंक की दो तीन खिड़ दो खिड़कियां कर दो ताकि कम से कम लोगों का भला हो अब उनके पास स्टाफ कम है तो मैंने स्टाफ है तो भाई हम लोग भी लिखे हैं तुम भी लिखो अभी परसों ही हमारी बैंक मैनेजर से बुला करके बात हुई है कि भैया आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं और पिचोत्तर हजारे खाते बंद हो गए अच्छा उसके पीछे कारण ये है कि अब आजकल ऑनलाइन सारी चीजें हो गई मेरे नाम में स्पेलिंग की फर्क है तब भी वो बंद हो जाएगा अगर आधार सीडिंग नहीं है तब भी बंद होगा पचहत्तर हज़ार खाते तो मैंने परसों यही कहा तहसीलदार जी भी थे बैंक के मैनेजर भी थे तो आप इसको कैसे कर सकते हो तो मैंने कहा भाई जो जो ई मित्र वाले हैं उनको अधिकार दो तो वो करें तो उनको कहीं लगता है कि ई मित्र वाले कुछ गड़बड़ करेंगे इसलिए फिर भी वो कह रहे थे साहब हम चार सौ पाँच सौ तो मैंने कहा पाँच भी करोगे तब भी पिचोत्तर हजार खाते अपडेट करना आपकी बस का हो नहीं है आपको बैंक का काम भी करना है ये भी करना है दोनों काम साथ हो नहीं सकते हैं तो उन्होंने कहा हम कोई बैठ करके राशन तहसीलदार तो जी और इनको कहा आप पास में बैठ करके साथ रास्ता निकाल करके इसको ठीक करिए तो उन्होंने हमें कहा कि जितना जल्दी हो सके उतना हम करेंगे ये हम प्रयास कर रहे हैं आदिवासी क्षेत्रों में कहा जाता है कि अधिकारी कर्मचारी काले पानी की सजा पहले से भुगत के आते हैं लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि जो अधिकारी और कर्मचारी आ जाता है वो वापिस जाना नहीं चाहता है। वो अंगत के पैर वहीं रुक जाते हैं अधिकारी जनप्रतिनिधियों की बात में सुनते तक नहीं है कैसे कई मामला है जिसमें आपके साथ में अधिकारियों और अधिकारियों और कर्मचारियों ने सही व्यवहार नहीं किया तो इसका मूल कारण क्या है और ये समस्या कब खत्म होगी देखिए ये सरकार का असर भी है कोडा को जैसा का कहा आपने काला पानी जब से मैं राजनीति में जहां भी बैठता हूँ मैं कहता हूँ कोडा काला पानी नहीं सफ़ेद पानी आके पी के देख लीजिए सबसे अच्छा शुद्ध वातावरण है तो कोटड़ा झाडोल में है वहाँ सबसे ज्यादा फॉरेस्ट भी है जिसके कारण से वायुमंडल शुद्ध है और आपने कहा अधिकारी कर्मचारी नहीं आना चाहते वो उस जमाने की चर्चा थी आज तो चलकर कोटा आते हैं आपने कहा ना कि जो आते हैं वो जाना नहीं चाहते अंगद के पेड़ पे जमा के बैठ जाते हैं अब मैं नाम तो नहीं लूंगा लेकिन कुछ अधिकारी स्टे ले बैठे हैं हाँ, एक तहसीलदार एक बीडीओ हाँ, हाँ। तहसीलदार तो तीन बार स्टे लेके आए शायद हाँ वीडियो कब भी वैसा ही रहा हाँ, ए, और आगे प्रश्न है ऐसा प्रश्न पूछा गया तो फिलहाल तो अब हम इस प्रश्न पर बात करें कि भाई आ, क्या वजह रहती है देखिए वजह क्या है कि वहाँ लोग भोले भले हैं उन लोगों को जैसे भी चला वैसे चल सकते हैं तो हमारी दुकान चल सकती है और राज न होने की वजह से हम चाहते हैं कि इनको हटाएं लेकिन पॉलिटिकली लोग इन्वॉल्व होने के कारण हमारे कहने के बाद वो नहीं हटते नहीं। हमने कई बार कहा कि ये लोग ठीक नहीं है लेकिन वो इसलिए नहीं हटाते कि उनके साथ कहीं कहीं अपने संबंध मिले हुए हैं और किस कारण मिले हुए हैं उन कारणों पर मैं नहीं जाना चाहूँगा आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ तो वहाँ पर जब लीडर्स है पोलिटिकली वो देखे कि अधिकारी ठीक नहीं है और ये जनता के लिए ठीक काम नहीं कर रहा है ये नहीं रहना चाहिए वो अगर तय करके करेंगे ऐसी मानसिकता रखेंगे तो होगा मैं सत्ता में भी रहा हूँ अधिकारी दो प्रकार की मानसिकता वाले होते हैं दो लोगों को बड़ी मजबूती से उनके साथ खड़ा कर देंगे जो पॉलिटिकली वजूद रखते हैं ऐसे लोगों को बाकी लोगों को उनको दूर कर देंगे उनके साथ कुछ भी नहीं करेंगे ये हमको समझना पड़ेगा कि ये मेरे हमारे साथ में इस प्रकार का खेल तो नहीं कर रहा है जिस दिन वो समझेंगे उस दिन अधिकारी नहीं रहेगा कई अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिंदगी भर नौकरी कोड्डा में की कोड्डा से रिटायर्ड हुए प्रधान था दो सचिव थे जिन्होंने जिंदगी नौकरी वहां की और उन्होंने बंगले बना लिए मैंने कहा ये पैसा कहां से है भैया एक व्यक्ति जिंदगी भर खेती करता अपना अच्छा ठीक मक से मकान नहीं बना पाता है एक कर्मचारी सैलरी लोन लेता है तब भी अपना मकान नहीं बनाता ईमानदारी से काम करने वाला लेकिन ये पैसा कहा से

किसी काम को लेकर एक नई पंचायत थी तो उस पंचायत में काम नहीं कोरोना <koronakal> काल था तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि भाई साहब कोरोना काल है और काम बिल्कुल नहीं है नई पंचायत तो तो मैंने उनको कहा कि बेटी साहब ये पंचायत नहीं है और नई पंचायत होने के बाद काम कुछ भी नहीं है तो लोग कहाँ जाएंगे और कोरोना काल है तो उन्होंने देखो उस व्यक्ति का झूठ इतना मेरे सामने इतना झूठ उन्होंने कह दिया कि भाई एम साहब सी की टेबल पर फाइल पड़ी है सी के टेबल पर और वो आजकल में निकल जाएगा मैंने कहा ठीक है मैं सी से पूछ लेता हूँ मैंने सी को फ़ोन किया मैंने कहा सी साहब कोरोना काल है नई पंचायत है और आपकी टेबल पे फाइल पड़ी ना आप सेंक्शन नहीं जारी कर रहे हो होने कहा मैंने साहब मैं देखती हूँ मैंने तो कोई फाइल पड़ी नहीं है मैंने कहा देखो देख करके मुझे उन्होंने कॉल किया फिर तब तक मैंने कलक्टर साहब को कह दिया तो दोनों तरफ से टेली हो गया वो प्रेशर उन पर पड़ा भाई आपने कैसे कह दिया अब वो नाराज़ फिर किसी बात को लेकर के बात हुई तो अब फोन पे जिस प्रकार का व्यवहार वो रखते हैं तो उन्होंने देखा भाई चलो वैसा ही तो वो मेरे साथ कुछ ऐसा बोला तो मैंने कहा चलो वहीं बैठ के बात करेंगे क्योंकि फ़ोन पे इतनी बात करना संभव भी नहीं है तो मैंने मैं आ गया फिर उसका उसका व्यवहार रहता क्योंकि वो व्यक्ति ठीक नहीं ठीक था।, था उसका मैंने कहा उनको आ, अधिकारी का वो ज्ञान भी नहीं था मैंने मेरे जीवन में आई पी एस और अच्छे अधिकारियों के साथ में मैंने काम किए उनके साथ बैठ करके बातचीत की है, लेकिन वैसा नहीं तो वो अपने मैंने उनको कहा मुझे समझा रहे हो तुम फिर वो अलग टाइप की स्टाइल से बात है आप राजनीति करते हो वो करते हो मैंने कहा कर, राजनीति करने के लिए तो आया है ना राजनीति करेंगे तो तुम करोगे क्या राजनीति

अधिकारी कर्मचारी का काम है सरकारी जो काम है योजना है उनको जनता तक पहुंचाने का काम होता है, है। उसको तो, उनका काम कौन करेगा इस प्रकार कर कर कोई अधिकारी बोलता है तो, तो वो गलत है आपके सामने कैसा किसी ने बोला क्या मेरे सामने नहीं बोला आपके क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्था सौ साल पीछे चल रहे बाबूलाल जी सी एस सी पी एस सी में स्टाफ नहीं है न सोनोग्राफी की मशीन है महिला विशेषज्ञ नहीं है और सबसे ख़ास बात यह कि हाजमान अगर आपके क्षेत्र में होती है तो 120 किलोमीटर उदयपुर आनी आने के बिस्पत लोग गुजरात जाते हैं और वहाँ जाते हैं तो उन्हें राजस्थान की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि कोटड़ा बहुत दूर का एरिया है सोनोग्राफी मशीन नहीं है मैंने कहा भाई सोनोग्राफी मैं मशीन देता हूँ मैंने पैसा भी देने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये कोर्ट से परमिशन है से आएगी ये आएगी तो तो सारी बात है भाई मैंने मैं तो देना चाहता हूँ हाँ। फिर जो डिजिटल एक्सरे है वो मैंने दिया और वहाँ जहां तक आप कहते हैं कि गायनिक नहीं है विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है वो नहीं है जब मैंने सरकार से पूछा कि भाई यहाँ पर जो Specialist आपको कभी ये परेशानी अंदर से निकलती कि मैं तीन बार विधायक रहते हुए भी मैं इस चिकित्सा व्यवस्था को सुधार नहीं पाया क्योंकि मूल जो आवश्यकता है मैं मानता हूँ कि चिकित्सा ही एक ऐसी मूल जरूरत है जिसको जनप्रतिनिधियों को पूरा करना चाहिए क्या मान हमने लगातार प्रयास किया कि ये ठीक हो कोशिश भी की जब हॉस्पिटल जिस प्रकार से एक छोटे से उसमें था उसको विस्तार करके उसको थोड़ा ठीक किया जो दिला भी वार्ड था उसको अलग करवाया बाकी एक ही वार्ड था जिसमें सारे मरीज वो भी जनरल मरीज भी रहते थे दिलर भर रहते थे वो अलग करा दिया उसको ऊपर थोड़ा सा वो करके तो और ठीक किया हम सोचते हैं मैंने इनको कहा भाई सेटेलाइट हॉस्पिटल कोटना में खोलो एक दानर में सेटेलाइट हॉस्पिटल क्योंकि दूर के एरिए हैं और पूरे पूरा जनजाति बाहुल्य उनको लाभ मिलना चाहिए इन्होंने नहीं किया अगर सेटेलाइट होता तो ये स्पेशल अब मैंने सवालों के जवाब में इन्होंने जवाब दिया कि जो सी सी पी है उनमें स्पेशल डॉक्टर नहीं लग सकते हैं गाइडी भी नहीं लग सकता है तो आज वहाँ का आदिवासी जब बहुत गंभीर बीमारी होती है तो उदयपुर आने की गुजरात जाता है उनको पैसा लगता है कितना किलोमीटर पड़ता है वाले? देखो गुजरात पचास किलोमीटर खेड पड़ता है वहाँ पे भी लगभग सुविधा है खेड़ खेड़ ब्रह्मा हाँ, ब्रह्मा जाएंगे तो सब प्रकार की सुविधा सब प्रकार के स्पेशल मिल जाएंगे तो वो वहाँ से कम से कम तीस किलोमीटर है तो सितर किलोमीटर दायरे में सारी की सारी सुविधाएं वो है और उदयपुर में जाना पसंद करता, जाता, लगे लगे, या अपने जान बचाने वो काम करेगा। हम लोगों ने सारे प्रयास कर लिए भाई ठीक करिए डॉक्टरों का सवाल है अभी डॉक्टर जो इन्होंने आ, पर रखे थे उनका समय पूरा गया वो छोड़ छोड़ के चले गए एक एक डॉक्टर के भरोसे हॉस्पिटल चले थे एक डॉक्टर

कहीं से आते होंगे वो मुझे पता नहीं जैसे हमारे माल और सरवन है हाँ। सरवन में भी आज गाड़ियाँ जाती है माल में भी गाड़ियाँ जाती हैं ये आंबा दे है, अपने हैं वहाँ पे भी गाड़ियाँ जाती है जो अपने ये उमरिया के अंतिम गांव है हाँ। तो वो है जब अटल जी की योजना बनी प्रधानमंत्री सड़क योजना उससे पहले कोई गांव नहीं था जहाँ पर सड़क जाती होगी उस समय सारे के सारे जोली मिलाते थे लेकिन ये तो भला होना अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी का जिन्होंने प्रत्येक गांव को डामर से जोड़ने का काम किया बाकी वो अगर प्रधानमंत्री सड़क योजना नहीं बनती तो आज गांव में सड़कें होती नहीं और डामर की सड़क ढूंढने के लिए आदमी सर में जाता आप कहते हैं कि सुविधा वहां है लेकिन एक सुविधा आज भी वैसी की वैसे अढ़ाई दिन में ढाई कोस वाली कहावत को चरितार्थ है वो ट्रांसपोर्टेशन परिवहन सुविधा आज भी वैसी नहीं है जैसे आपने पहले दिन वादे किए थे जो पहले दिन लोगों को आश्वासन दिए थे तीन बार एम बनने के बाद में भी वही है मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं रोडवेज की दो बसें चलती है आपके क्षेत्र में एक जाती है चाडोल होकर तो दूसरी देवला होकर अगर वो विकल्प ख़त्म हो जाता है तो वैसे ही ठूँस ठूँस कर वाहनों में लोगों को सवार होना पड़ता है और कई बार ऐसे हादसे आप खुद देख चुके हैं हमने इस मीडिया में उठाया है हम एक पत्रकार जिम्मेदार पत्रकार के नाते तो उनकी जान जोखिम में डालना उनकी मजबूरी बन गई है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है बिल्कुल सही कह रहे हैं वसुंधरा जी के समय में ग्रामीण बस सेवा शुरू की थी लगभग लगभग लग लगभग गांवों में बसें जाती थी अशोक गहलोत जी आने के बाद में सारी की सारी सुविधा उन्होंने बंद कर दी इन्होंने कहा कि हम भी ग्रामीण बसें शुरू करेंगे वो शुरू नहीं की हमने बार बार विधानसभा में भी पूछा भैया क्या कर रहे हो अब जब इनसे पूछते कि साहब आप बसें क्यों निकल साहब हमको जितना यात्री भाड़ा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है मैंने कहा मेरे साथ आप चलिए और आपकी बसों को देख लीजिए बसें ऊपर नीचे जाती हैं या तो कंडक्टर टिकट नहीं काट रहा है जिसके कारण से आपका घाटा हो रहा है आज बस के आगे गाड़ियां चलती जो ऊपर नीचे जाती है उनमें सवारी मिलती तुम्हारी बसों में सवारी क्यों मिलती है दूसरी सवारी नहीं मिलने का कारण है कि इनकी बसों को भरोसा नहीं कहा रास्ते में खड़ी हो जाए अच्छा खटारा बसे खड़ी है, वहीं खड़ी है। इनको देखने वाला कोई धनी दूरी नहीं है तो व्यक्ति चाहेगा कि मुझे सुविधा मिलनी चाहिए किसी में भी चला जाऊ आज इतनी प्राइवेट जीपे चल रही है सारी चीजें ऊपर नीचे चल रही है तो इनकी बस में कोई बैठने वाला क्यों नहीं मिलता है किराया कम है लेकिन वो बस कब जाएगा कोई पता नहीं और दो बस है और इतना बड़ा क्षेत्र है भौगोलिक दृष्टि से बहुत लंबा एरिया है गुजरात गुजर... की सीमा से, से जोड़ता है गुजरात हाँ, हाँ, गुज... हाँ गुजरात का आपने कहा गुजरात को आप देख लीजिए हर कस्बे में हर छोटे गांव में भी बस जाती है तो ये क्यों नहीं कर सकते हैं करना नहीं चाहते ये सुविधा देना नहीं चाहते कई बार एक्सीडेंट तो लोग मरते हैं आपके क्षेत्र की जो प्रमुख जो सुविधा है हम कोटड़ा का नाम सुनते हैं तो दो चीज़ हमारे मन मस्तिष्क पर उभर के आती है एक तो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र और दूसरा मोताना सबसे पहले तो मैं मोताना की जो मुख्य समस्या है उससे आपको मुखातिब करूँ आप मोताना क्या है वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताऊ देखिए मोताना और बेर दो अलग अलग पक्ष हैं हमारे पहले समाज में ये होता था कि एक मोताना नहीं होता था वेर होता था मतलब दुश्मनी अच्छा उसके कारण से हमें कई फायदे भी होते थे फायदे का मतलब ये होता था कि भाई आज मान लीजिए मैंने मर्डर कर लिया उदाहरण के लिए तो अगला पक्ष से वो दबाव बनाएगा कि मर्डर किया थे तो इसको मारेंगे अच्छा दुश्मनी पूरी लेंगे आंख के बदले आँख हाँ, के बदले हाथ ऐसा हाँ, और वो फिर पूरे परिवार पर दबाव बनता तो उस परिवार का आदमी उस गांव के आसपास में जा नहीं पाता तो एक दबाव रहता कि यार मैं अगर कहीं मैंने कुछ गलती कर दी तो मेरा समाज पूरा भुगतेगा उसको भी परेशानी होगी इसके कारण से जो अपराध बढ़ने चाहिए थे वो अपराध नहीं करते मतलब मर्डर कम होते फिर समाज के लोग मिल करके कहते हैं भैया देखो इतना हर्जना तुम दे दो मोहताना जो भी है छोटा मोटा आपस में कोई मरे नहीं क्योंकि दोबारा कोई ऐसी घटना ना हो किसी की हत्या ना हो तो बैठ करके दोनों पक्षों के पंच बैठ करके तय करते कि भाई ये तुम्हें जो भी इसका हुआ इसका जो भी भरपाई ये करते हैं इसके बाद तुम आपस में मिलकर के गुड़ खा लो और मीठा मुँह कर लो वो मीठा मुँह करने के बाद में ऐसे वचनों में बन जाते थे कि कभी आपस में घूमते तो भी मर्डर नहीं होते ये प्रक्रिया धीरे धीरे बाद में थोड़ी सी कुछ अलग प्रवृत्ति के लोग आए चोरी प्रवृत्ति के तो ये लूटपाट के रूप में आ गया अच्छा फिर कहीं पर भी कुछ होता चरित्र होता सब लोग जाते दुश्मनी निकालना वो अलग विषय था वो तो पक्ष रहता नहीं था लेकिन लूटना अच्छा वो घर वाले लोग भाग जाते और मकान खाली था जहाँ मिल, जो मिलता जो लूट लूट करके ले जाते मवेशी भी ले जाते अनाज भी ले जाते जो मिलता जो सब ले जाते और मकान जलाना भी शुरू कर दिया मैं मान्य न्यायालय को मैं धन्यवाद दूंगा कि उनके ध्यान में ये बातें आई तो उन्होंने कहा कि जो मकान जलाते हैं उनका हम जमानत नहीं लेंगे आज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कोरोना में कहीं पर भी मकान नहीं जलाएंगे और आज स्थिति यहाँ तक आ गई कि अब हमने कहा भाई देखो कोई दुर्घटना हुई हत्या की है वो विषय अलग है तो उस पर जितना दवा बनाना बना लीजिए लूटपाट नहीं करते लूटपाट अब आजकल बहुत कम हो गया नहीं करते हैं लूटपाट बहुत नहीं के बराबर एक्सीडेंटली जो केस होते हैं आज लोगों को पता लग गया कि इंश्योरेंस अच्छा मिलता है कई उदाहरण मेरे गाँव में एक बच्चा अभी डेथ होगी एक्सीडेंट में डेढ़ लाख रुपए रूपए पार्टी ने दिया और इंश्योरेंस में सारा छोड़ दिया ऐसे ही कुकाबास में अभी दुर्घटना हुई उन्होंने इतना ही लेकर के और इंश्योरेंस छोड़ दिया कहीं लूटपाट नहीं कहीं चढ़ोतरा नहीं कुछ भी नहीं तो ये एक अच्छी बात है जो धीरे धीरे ये चीजें ठीक आ रही हैं लेकिन जहां तक ये दबाव वाली बात है समाज में क्योंकि आज सामान्य क्षेत्र में आप देखते हैं एक आदमी एक मर्डर करेगा दो करेगा तीन करेगा खुले घूमेगा खुले हम घूमता है उसको कोई रोकने वाला नहीं क्योंकि वो हो हो गया उसे लगेंगे डरेंगे लोग हमारे नहीं 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 सकता सकता वो वो कितना भी बड़ा ताकतवर होगा हत्या करने के बाद, हत्या के बाद उस उस गांव तक समाज आसपास घूम ये डर है इसी से ये नहीं बढ़ते बाकी सामान्य में आप देख लो ना सर हम उसे घर पे जाके मारपीट कर लेंगे दूसरी और कर लेगा कोई कुछ नहीं तो कि मोहताड़े की जो प्रक्रिया होती है वो जनप्रतिनिधियों के सामने होती है उनकी सेह में होती है उन उसमें पुलिस भी शामिल होती है पुलिस को भी उनके बीच बचाव में उसमें समझौते में शामिल होना पड़ता है तो ये कब तक चलता रहेगा देखिए आदिवासी समाज के नियम कायदे अलग है आज से नहीं बरसों से हैं और जनप्रतिनिधि भी उस समय देखता है कि भाई ये पक्ष इसको जैसे तैसे शांत हो किस प्रकार से दोनों पक्ष में कोई जनहानि ना हो इस प्रकार सोच करके बीच का रास्ता निकालने का प्रयास करता है पुलिस यह चाहती है कि हम थोड़ा सा कठोरता करेंगे और ज्यादा कुछ लोग उग्र हो गए तो और ज्यादा विवाद बढ़ेगा इसके कारण से वो कहीं कहीं शांत रहती और कहीं कहीं आ, उसको कम्प्रोमाइज की भूमिका में रहती है भाई आपस में बैठ कर तुम बातचीत कर लो ताकि विवाद न बढ़े ऐसा रहता है और हम लोग भी तो भैया आपस में बिठा कर दो यार क्योंकि कोर्ट में जाओगे कोर्ट कचरी होगी तो ये हम जिंदगी परेशान होते तो वो ना हो इसके लिए कहीं क्या इसका क्या प्रभावी कदम उठाना चाहिए सरकारों को जनप्रतिनिधियों को पुलिस को ताकि हम ये मैसेज देना चाहें इस वीडियो के माध्यम से कि किस तरह से मोताड़ा को हम जड़ से खत्म कर सकते देखिए वसुंधरा जी की समय में हम लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी मीटिंगें की पुलिस और सारे के सारे जनप्रतिनिधि और सारे के सारे समाज से भी उदयपुर में भी एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी आपको शायद ध्यान होगा पता करना पुलिस लाइन का जो हॉल है उसी में हुई थी सब प्रकार के लोगों को बुलाए सब प्रकार के लोगों से ये पूछ कर इसको अपन कैसे ठीक करें पुलिस की क्या भूमिका रहनी चाहिए समाज सेवी की क्या भूमिका रहनी चाहिए और जनपद की क्या भूमिका रहनी इस पर कई बड़ी बड़ी चर्चा हुई और उसके बाद में काफ़ी जगह इसका सुधार हुआ हम चाहते हैं कि ये चीज़ खत्म हो जाए और धीरे धीरे शिक्षा आएगी शिक्षा आने के बाद में आदमी सोचेगा कि भाई मुझे आगे बढ़ना है देश आगे जा रहा दुनिया आगे जा रही है तो मैं कहाँ हूँ पीछे तो वो समझता है नहीं मुझे ये नहीं करना है तो जहाँ शिक्षा का प्रभाव बड़ा हुआ ये धीरे धीरे आपने खत्म हो रही है शिक्षा की बात कर रहे हैं बाबूलाल जी स्कूलों में आपके क्षेत्र के स्कूलों का एक ग्राफ में उठा के देखो तो सितर प्रतिशत स्कूलों में स्टाफ नहीं है और अस्सी प्रतिशत स्कूल जर्जर हो चुके हैं जैसा हादसा हमारे उदयपुर में हुआ है वैसे हालात आपके क्षेत्र में बनने के कगार पे खड़े हुए हैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपने शिक्षा में अभी तक भवन के वहाँ हैं क्या प्रयास किए क्या होने चाहिए देखिए इसको लेकर के सरकार को हमने ये कहा कि भाई आप ये पुराने बिल्डिंगे हैं और बिल्डिंगे उस जमाने की बनी हुई है जो देख करके लगता है कि यार कभी भी कुछ कई हादसे हुए भी हैं सरकार को एक अभियान चला करके जो नई जो पुराने स्कूल हैं उनको मरम्मत होने योग्य है तो मरम्मत करें हमने पंचायत समिति हमारी है हमने कहा भाई आप जितने ये जो कर सकते हो मरम्मत ये करो तो उन्होंने कुछ पैसा दे कर कुछ स्कूलों को मरम्मत करने का काम भी किया अब उनके पास पैसा लिमिटेड है हमारे पास में पैसा लिमिटेड है हम जहाँ वो चाहते हैं देते हैं लेकिन मरम्मत पर कोई आता नहीं फिर भी हम कोशिश करते हैं कि अभी डी का पैसा था हमने अधिकतर कक्षा कक्ष दिए तो हम चाहते हैं कि स्कूल बने लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकारों की है सरकारों को करना चाहिए और हम चाहते हैं कि सरकार को सदबुद्धि मिले क्योंकि छोटे बच्चे पढ़ते हैं पिछली बार मैंने विधानसभा का एक स्कूल गिर गया मैंने कहा स्कूल गिर गया इसको बच्चे वहाँ पढ़ नहीं पाते हैं मैं खुद जाके देख के आया हमारे सरली में एक स्कूल बच्चे आज भी बाहर पढ़ते हैं हमने ये सारी चीज़ें सरकार को बताई लेकिन कोई सुनने वाला तो कोई धनज अब शमसा जो है स्कीम है उसमें स्कूलों का कक्षा का मरम्मत यही करने का है लेकिन पता नहीं करते क्या समझ में नहीं आता है सारे लेके बैठे पैसा पैसा देखते हैं प्रभावशाली व्यक्ति उसको दे दो बाकी जगह नहीं अरे तो उसमें प्रभावशाली क्या देखना यार विद्यालय बच्चे पढ़ रहे हैं उसको देख करके एक आप टारगेट बना दीजिए इतना देंगे इतना देंगे इतना तो करेंगे तो अच्छा होगा ना आपके वसुंधरा सरकार में सारी चीजें आप कर सकते थे करवा सकते थे अब आप जो पूरा मटकी हैं वो कांग्रेस सरकार पर फोड़ रहे हैं तो ये आप कर सकते थे ना उस समय जितना अधिकतम करना था किया हमने अब जितना समय मिला उसका हमने उपयोग किया उतना कर सकते उस, उस समय के अनुसार उतना हमने किया अब हम इनको कह रहे हैं कि तुम भी कुछ करिए ये तो कुछ कर नहीं रहे हैं अध्यापकों का सवाल है आपने कहा निष्ठा की कमी है कितनी भर्तियाँ हुई उन्नीस भर्तियाँ सारी की सारी निरस्त हुई और किसके हुई पेपर आउट को लेकर के कर कौन रहा है यही तो कर रहे हैं ना हमने पिछली बार पूछा था कि जयपुर में रूम से पेपर निकले ना चोरी हुए न कुछ नहीं और इनकी नाक के नीचे जयपुर में चाबी थी हमने वो अधिकारी कौन है जो दो लोगों के उनसे नहीं? नहीं को चाबी पूछो नहीं पूछा हमने कहा सीबीआई से नहीं कराएंगे एसओ से कराएंगे अगर वो सीबीआई से जांच कराते तो इनके मंत्री आते इनका प्रदेश अध्यक्ष उसमें शिक्षा मंत्री था वो उसमें इन्वॉल्व था और मुख्यमंत्री तक भी तार जाते ये नहीं कराया और सारे के सारे पेपर आउट हुए हमारे युवा बच्चों ने इन्होंने तो कहा था ना हम सब बच्चों को नौकरी देंगे नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे दे दिया ना नहीं दिया और अब कहते हैं कि सब हमारे है जितना कर दिए इतने, है, इतने है, अब करेंगे अब तुम जाने वाले अब क्या कर लोगे मतलब एक एक चीज का हम सवाल पूछ पूछ के पोछ लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है आज बच्चा बेचारा कोचिंग करता है उनको दो प्रकार की मार होती है वो अपने मकान अपने जमीन गिरवे रखता है जेवर गिरवे रखता है क्योंकि नौकरी लग जाऊंगा घर परिवार चलेगा ये अपेक्षा होती है ना और वो कोचिंग करता कोचिंग करके पेपर देने के लिए जाता पेपर दे के बाहर निकलता पेपर आउट था तो वो रोता है ना कई लोगों ने कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया उनको पता लगता नहीं है और ये कोचिंग जो जितने भी हैं ये बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं ना तुम्हारे पास कौन सा वो लगा हुआ है कौन सा जादू कर दोगे जिनको सबको पास कर दोगे एक आर एस की एग्जाम हुई थी आपने देखा है ना ये टोडा सर जी इनके हुँ। पी, बा, बा, सी पी क्या नाम पीसी पी सी सी अध्यक्ष इनका भतीजा इनके बेटे इनके बहुए सारी आर एस हो गई रिटर्न में तो उनके चालीस परसेंट अंक है और मौखिक में कौन से घी खाया था रे यार कौन सी खुराक खाई थी तो हंड्रेड परसेंट नंबर आ गए इधर से चलो उम्मीदवार उधर आर एस निकलेंगे ये सारा ये चलेगा क्या ये नहीं है क्या

जो आ, पिछले आ, मैं पचास साल पुरानी बात उठाऊं तो जैसा हालात वैसे के वैसे हैं तो एक मुख्य बात हम ये चाहते हैं हमारी जनता ये चाहती है कि जनता सत्ता एक दूसरे को ढोलने को की बजाय इसका समाधान कैसे निकलेगा उस पर मंथन किया जाए देखिए आरोप प्रत्याप तो चलेंगे लेकिन समय के एवरेज से आप निकाल दोगे तो हमने नौकरियां ज्यादा ही दी होगी आपने मेवाड़ की उदाहरण में दू ये आज जो मास्टर लगा है आज बाबू लगा है आज पटवारी लगा है आज डॉक्टर लगा है हमने उस समय कहा कि आदिवासी मेवाड़ के आदिवासी का भला चाहते हो तो पैंतालीस परसेंट हमको अलग से दो हमने 45 परसेंट नहीं मांगा भाई उस एरिया का आरक्षण क्योंकि अगर पूरे प्रदेश को आप देखोगे तो अलवर भरतपुर कोटा जयपुर उधर का जो मीणा है हमें आरक्षण तो है साढ़े लेकिन वो अच्छी स्कूलों में पढ़ के आता है वो होशियार होता है हमारे यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ता है बच्चा उनकी लाइन में जब लगता है तो कंपटीशन नहीं कर सकता तो अलग से हमको आरक्षण लीजिए उनके क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों का अहम रोल रहता है वो चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं टॉप लेवल पर जाए टॉप लेवल के पढ़ें ऐसा उनका जनप्रतिनिधियों का प्रयास रहता है वो मैं बता रहा हूँ वहाँ पर हर घर में आर एस आर पी एस आई एस हर घर में नहीं मतलब मिल ही जाए गांव में तो और एक गांव ऐसा है हर घर में आर एस आई एस और आई पी एस है तो हमने यही तो कहा इसलिए हमको इसको आप अलग कर दीजिए सत्ता में थे और मेरी उस समय के मंत्री थे खाद्य मंत्री किरोड़ीलाल जी मीणा वित्त राज्य मंत्री ये वीरेंद्र जी मीणा थे मैंने खुद कहा ने कहा ना अब आरक्षण बंद कर दीजिए मेवाड़ को उठना ना दीजिए ये कहा उनसे और ये बात करने के बाद में 45 परसेंट आरक्षण मिला जिस आरक्षण की वजह से आज हमारा डॉक्टर है आज हमारा बाबू है, है आज हमारा मास्टर है आज हमारा कहीं ना कहीं पटवारी है अगर ये नहीं होता तो इस आदिवासी का मेवाड़ का आदिवासी इस आ, उप उप ट्राइबल योजना का आदिवासी नौकरी नहीं लग सकता था बीर सिंह शेखावत के समय एक से लगा कर तक की आरक्षण दिया था और गुलाब चंद जी कटारिया ने यहाँ का लगे इसके लिए जिले के नंबर देना शुरू किया था भारतीय जनता पार्टी ने कम किया काम उन्होंने कहा दस अंक में जिले के दूंगा ये व्यवस्था की थी ना कम से कम यहाँ का लड़का लगे इसके लिए उस समय लगे और बाद लोगों को बाहर करने का काम किया था इन्होंने क्या क्या ये बता दे एक बात आपके क्षेत्र में जितने सरकारी काम होते हैं उसमें धड़ल से भ्रष्टाचार होते हैं गुणवत्तापूर्ण काम नहीं होते हैं मैं अगर मोटे मोटे तौर पर जो पुलिया बनने का वो है कि एक बारिश में पुलिया बनता है दूसरी बारिश में वो पानी आते ही स्वाहा हो जाता है उसमें क्या आप जनप्रतिनिधियों की सह होती है या फिर सिस्टम ही ऐसा बनाए और अगर सिस्टम ऐसा बना हो तो ख़त्म कब होगा देखिए ये आपका एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इस विषय को मैं प्रदान था तब मैंने जयपुर में उठाया था उनका जवाब अलग था वो जवाब मैं आपको यह कहने की स्थिति में नहीं हूँ मैंने मेरे जीवन में साफ सुथरा काम किया तो मुझे भी दर्द होता है लेकिन जो इस काम को देखने वाला टेक्नीशियन है अगर क्वालिटी ठीक नहीं है काम घटिया है

लेकिन सबकी मिली भगत होगी ना उसमें तो सब मिल ब खाने वाले लोग होंगे मिलकर के जो भी होगा वो होता होगा इसलिए तो होता है कोटड़ा में तो अभी प्रधान ने और उन्होंने काम भी रुकवाए थे कई जगह जगह जाके रुकवाए अब रुकवाए तो सरकार उस पर कार्रवाई करे ना कार्रवाई क्यों नहीं करती है रुकवाए तो उस पर देखे भाई पहले गवर्नमेंट कोई भी होती थी एक सवाल खड़ा होता तो अधिकारी दस बार जाके देखता था अब देखने वाला धनी दूरी नहीं है ये सरकार की जिम्मेदारी है हम काम रुकवाएं अगर वो कहेंगे चालू करो तो फिर तो ये थी कि पूरे गोए में ही भांग है कोटड़ा में आपने मिशन कोटड़ा अभियान चलाया झाड़ोल के लोगों का कहना है कि झाड़ोल मिशन कब चलेगा अब कोटड़ा मिशन के कई पुरस्कार भी मिले हैं अब इससे कुछ परिवर्तन दिखता है क्या हुँ? कुछ परिवर्तन दिखता है क्या इसमें कोटड़ा मिशन का कोटड़ा में कोई परिवर्तन आया है क्या आप बताएं नहीं नहीं मैं आपसे आपने देखा मैं तो देख नहीं रहा हूँ हम तो उस मिशन के बारे में देख ही रहे मिशन के सही पुरस्कार मिल गए हैं केंद्र से भी मिल गए स्टेट से भी मिल गए हैं वाहवाही तो लूटी है लेकिन उसका नीचे जमीन पर कुछ गया है क्या मुझे तो दिख नहीं रहा है और झारोल मिशन भी चला लोगे तो क्या परिणाम आ जाएगा आज सुविधा नहीं है और जो वहाँ पे ड्राइवर वगैरह जो काम करने वाले थे उनको भी सैलरी नहीं मिल रही ऐसी ये वसुंधराज ने शुरू की थी सारा स्टाफ एक गाड़ी में बैठ के जाओ गाँव में जाकर लोगों की समस्या सुनाओ उनका निराकरण करो ठीक था उनमें कंप्यूटर भी लगे होते हैं सारी चीजें लगी हुई थी अशोक गहलोत जी ने इनको बंद कर दिया बंद कर दिया तो अब चालू करने का काम इनका ये करके दिखा दें क्योंकि वो सोचते हैं कि हम क्यों चालू करें आप उनको बताएं तो तो ये चालू कर पाएंगे आप समस्या उठाएंगे समस्या है तो आप मेरा पूरा रिकॉर्ड उठा देगा विधानसभा का ये सारी चीज़ें उसमें होगी अब उनको हम तो बार बार गला हर बार के चिल्ला चिलक थक गए ना सुने तब के कोई सुनने वाला धनी तो है ना अशोक अशोक गहलोत जी तो कभी हाउस में आके बैठते नहीं है

जनप्रतिनिध निधि होने के साथ में आप ये तो कर सकते हैं कि आपके क्षेत्र में झोला छाप चरम पर हैं हर कोई इलाज कर रहा है बिना डिग्री के बिना उनको लोगों की जान के साथ में खिलवाड़ कर रहा है तो आपके हाथ में ये चीज़ तो है कि आप उनको रुकवा सकते हैं तो क्या तीन बार विधायक बनने के बावजूद मतलब एक भी झोला छाप को आप ये टोक रोक टोक नहीं कर पाए कि भाई आप क्यों कर रहे हैं ऐसा देखिए एक तो मानसिकता कुछ लोगों की बनी है कि वो जाते ज़्यादा एक ड्रीप चढ़ाता वो खाली होगी आप बस सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे तो वो बीमारी को देख करके दवाई देगा भाई इसको इस गोली एक गोली से मिटना तो एक देगा दो से मिटना दो देगा पांच से मिटना तो पांच, पांच देगा कोर्स देगा बीमारी को देख करके वहां जाएंगे वो सीधे ड्रीप चढ़ाएगा लोगों की मानसिकता ऐसी होगी वहां तो बाटला चलाए तो बाटला चढ़ाते ही नहीं है एक मेंटली लोगों की भी है और एक आसानी से घर के पास में वो घर जाकर के ट्रीटमेंट कर रहा है दो चीजें कई बार क्या होता है हाइड्रोज दे देते हैं और हाइड्रो देने के बाद में आपको एक मलेरिया की गोली देनी है क्लोरकीन. उन्होंने ठीक नहीं, नहीं, हाँ तो नहीं, तो नहीं है रुकना चाहिए और क्योंकि डॉक्टर समझता है ये बीमारी इस बीमारी में इतनी डोज देंगे तो ही काम चल जाएगा तो उसी से काम चलता है वहाँ तो ऐसे हालात है झोला छाप डॉक्टरों के दुकानें मकान के ऊपर भीड़ लगी हुई है और दूसरी तरफ सरकारी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं वो खाली बैठे हुए हैं मैं कह रहा हूँ उनकी मानसिकता बन गई है वो ड्रीप चलानी वाली तो कब इसको इसको, 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 ये मानसिकता मानसिकता कब सुधरेगी इसको, सुधरे मानसिकता को हमको ठीक करना पड़ेगा ये जनता के भी समझ समझ आनी चाहिए और सारी चीजें ठीक होनी चाहिए कई गांव ऐसे हैं बाबूलाल जी आप कहते हैं कि मैं जनता का दुख दर्द समझा है उनकी परेशानी है लेकिन कई गाँव अभी भी ऐसे हैं जिस पर आप वोट मांगने गए लेकिन दोबारा वापस उस सुधेरी पर कभी नहीं चढ़े भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा आपने भी घूमा फिरा देखा है और मैंने कोशिश ये की मैं मतलब सातों दिन तो नहीं घूमता हूँ लेकिन कम से कम मैं सात सप्ताह में दो तीन दिन में घूमता ही हूँ और जहां तक मेरे को संभव है वहां तक जाता हूँ मैंने लगभग लगभग सारे गाँव में एक एक बार तो मैं गया ही हूँ पहले बाइक पे थे तो आसानी से चले जाते अब अब फोर व्हीलर पे तो तो आसानी से नहीं नहीं, चले पाते नहीं, नहीं, तो रोड सब जगह लगभग लगभग है कुछ गांवों को छोड़ करके, कुछ को छोड़ करके। लेकिन मेरे को कोई ध्यान में नहीं ऐसा कोई भी गाँव मेरे से बच गया होगा कि मैं नहीं गया अच्छा लेकिन लोगों की मानसिकता क्या रहती है कि वो हमेशा है तो एक मजबूरी भी थी हमेशा तो जा नहीं सकते हैं कई महीने में दो महीने में बारह महीने में ऐसे जाना संभव है एक फलाशिया में आपने कहा था कि मैं दिल्ली जाकर फलाशा में केंद्रीय विद्यालय की के स्वीकृति लेकर आऊँगा लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रयास नहीं हुए देखिए उसके लिए मैंने लेटर फिर भी लिख दिया है अब ये हमारे सांसद महोदय जी हैं उनको प्रयास करना चाहिए कि भाई फलाशिया क्योंकि बहुत दूर दराज का क्षेत्र है और पूरा का पूरा जनजाति बाहुल्य है अगर केंद्रीय विद्यालय यहाँ खुलता है तो यहाँ बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी हो सकती है हमने कई बार मांग की है खड़े होकर कहा कि यह खुलना चाहिए अब किस कारण से अटका हुआ सेंक्शन है लेकिन अटका हुआ किस कारण से होना चाहिए हमारी सब सबकी मांग आपके ठोस प्रयास हुए हैं मतलब इस बिल्कुल है? मैंने लिख करके दो बार दिया एक बार नहीं लेटर अधिकारियों से पे। मैंने बात की भैया यहाँ आवश्यकता है तो किस स्तर तक पहुँचा है आपका अब ये मैं एकदम बता नहीं पाऊंगा वो किस स्तर पर है तो जानकारी करने में मतलब फलाशिया में नेशनल हाईवे का काम अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है जनता का आरोप है कि सीएम गहलोत ने नित नई योजना लागू करके आम जनता को राहत पहुंचाई, लेकिन केंद्र में बैठी भारत भाजपा सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर पाई जबकि आपके सीधे संबंध है ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी ने क्या किया क्या नहीं किया वो तो वही जाने हमें तो कुछ दिखता नहीं है केवल बातों करने का हवाई घोषणा है भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने जो किया गांव और गरीब के लिए बिजली पानी आपने देखा होगा ना घर घर जल योजना की नल से जल योजना वाला 2022 में केंद्र ने पैसा दे रखा इस मुख्यमंत्री को पैसा लेके बैठा हो अभी छापे पड़ रहे हैं ना घटिया काम करना घटिया पाइप खरीदना पैसा निकल रहा है उनके अधिकारियों और नेताओं के वहां से ठेकेदारों के वहां से तो ये जनता को पानी पिलाना नहीं चाहते हैं hmm. जहाँ तक हाईवे का मामला आप बता रहे हैं ये जो नेशनल हाईवे है ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी की करनी तो है ना? नितिन गडकरी जी आए थे प्रधानमंत्री जी भी थे घोषणा की हमने कहा करिए घोषणा ये हमें आवश्यक है और ये दोनों रोडों की घोषणा हुई एक तो ये अपने अपने ये दरबड़ा डूंगरपुर से जो आता है इसको और एक ही रोड पूरा हो गया ये रोड तो अपना जाडोल से विजयनगर वाला लेकिन ये जो यहाँ पर अपने ये घाटी ये क्या बोलते इसकी ये घाटी अपने ये बची है जो एक तो इधर से जो जहाँ पर जो इनका टेक्नीशन जिनको निकलना चाहता था भाई हार्ड रोक नहीं है ये धसेगा वो धस रहा है उसके कारण सुधर जाने दूसरा मैंने जहाँ मेरी जानकारी में जहाँ तक है वो काम हो रहा था अब तक हो जाता लेकिन वो पहाड़ भी गिर रहा है तो वहां पर पैसा कम पड़ रहा पैसा शायद रिवाइज एस्टिमेट करके भेजा है इसको, हम इसको सुरंग के में तो, तो आ पूरा पूरा तो जाएगा ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा इतनी बड़ी रोड देने के बाद जो लोगों को लगे केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है तो बिजली पहुंचाने का काम भी तो केंद्र सरकार ने किया ना लेकिन सड़के पहुंचाने का काम भी तो बीजेपी की योजना है ना कांग्रेस की क्या कांग्रेस बता दी क्या कर दिया हमने पचास साल में पचास साल तक समय मिला था ना उगड़ा जाडोल रोड है टू लेन कब बनेंगे जाडोल से उदयपुर के बीच रण घाटी और खेरिया घाटा के सर्विस रोड पिछले तीन साल से मरम्मत की राह देख रहे हैं देरी क्यों हो रही है इसका क्या कारण है मोबिलाल जी देखिए खेरिया घाटा वाली इस बात आप कर करें वही मैंने आपको बता दिया या रिवाइज एस्टिमेट गया हुआ है उनको जो बाईपास है जिसका पेवरीकरण करना चाहिए था क्यों नहीं हुआ हम जानकारी करेंगे वो नेशनल लेवल से पूछेंगे जहाँ तक आपने ओबना से झाड़ोल रोड के लिए टू लेन के लिए बात किया तो ये सरकार का विषय सरकार के ध्यान में है ये बातें करनी चाहिए वो नहीं करते हैं तो हम और पूछेंगे लेकिन पूछेंगे कब तो चुनाव आ गए अब समय है नहीं हमारे पूछने का तो अब तो पब्लिक में पूछेंगे उनसे तो अगली बार चुनाव लड़ेंगे आप किस मुद्दे से लड़ेंगे इस विषय में मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ लड़ेंगे भी या संगठन जो भी तय करे संगठन जो भी जिम्मेदारी दे संगठन घर बैठना तो घर बैठेंगे संगठन के चुनाव लड़ना तो चुनाव लड़ेंगे ये मेरा विषय नहीं है संगठन का विषय है शिक्षित बेरोजगारों के लिए आदिवासी क्षेत्रों में स्किल डेवलपमेंट को लेकर कोई प्रयास नहीं हुआ है ऐसे कोई ठोस प्रयास नहीं हुआ है आदिवासी क्षेत्र के लोग आज भी दर दर भटक रहे हैं और कोई बड़ा औद्योगिक इकाई वहाँ खुलनी चाहिए ऐसा प्रयास होना चाहिए लेकिन नहीं खुल पाई मुद्रा लोन दे करके झाड़ू कोडा में कई लोगों को मुद्रा योजना में लोन मिला ये इसकी डेवलपमेंट का एक पार्ट था उद्योग का सवाल है हमने उनको कहा कि भाई उद्योग जहां तक है यहाँ पर हमारा बांस कच्चा माल खूब है पर्याप्त है तेंदुपत्ता पत्ता हमारे यहाँ खूब है हमारे ये ये खजूर के पत्ते जिसके ये वो बनते झाड़ू बनते हैं ये माल भी है मैंने सरकार को कहा अब यहाँ शहर पर्याप्त है सीताफल सीताफल से आइसक्रीम है, है। इसके विषय में कुछ आप प्रोजेक्ट बना करके यहाँ लोगों को लाभ मिले यहाँ पर एक उद्योग लगा करके इसको यहाँ हो तो क्यों नहीं हो सकता ये सरकार में भी कहा और व्यवस्था तब भी मैंने कहा वहाँ के लोगों को वहाँ कई रोजगार मिले ऐसा उद्योग होना चाहिए तो ही चलेंज कच्चा माल दुनिया भर का है उसका उपयोग क्यों नहीं होता है ये बाहर जा रहा है ये होना चाहिए करना चाहिए सरकारों को चारोल विधानसभा के क्षेत्र में आने वाले धार्मिक स्थल रामकुंडा महादेव कमलनाथ फुलवारी किनाल आदि पर्यटक स्थल का दर्जा क्यों नहीं मिल पाया इनको आपको ध्यान होगा एक बार मैंने इस विषय को उठाया रामकुंडा रामकुंडा और ये अपने कमलनाथ और राणा पूजा तीन स्थान ऐसे हैं जो धार्मिक रूप से भी हमारे सब लोगों का आस्था के केंद्र हैं कमलनाथ पे हमारी अस्थियाँ विसर्जन होती है जैसे ही रामकुंडा में होती है मैंने सरकार को कहा कि इनको आप मतलब बहुत बड़ा उस हमारा उस बयान को आप देखेंगे उस विधानसभा वाले को देखोगे तो सी पी जोशी प्रभावित होकर उन्होंने कहा कि एम साहब ये है तो सरकार को करना है सरकार को कहा और मंत्री जी ने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे नहीं किया और पर्यटक स्थल बनता है तो यहाँ के व्यक्ति को झानोल के व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध होगा वो लारी लगा के बैठेगा चाय की दुकान पर बैठेगा लोग आएंगे चाय पियेंगे कुछ भी खरीदेंगे तो उससे उसका जीव जीवन ऊपर से चलेगा परिवार चलेगा लेकिन गवर्नमेंट करना नहीं चाह रही हमने तो काफी प्रयास किया है और सत्ता में आएंगे तो इसके लिए पूरी जोर जोर करेंगे और भेरू सिंह शेखावत के समय में राणा पूजा की मूर्ति बना दी थी और पानरवा में स्थापित करने का स्थान तय हो गया स्थान अगर उस समय के राष्ट्रपति का कार्यक्रम तय हो गया लेकिन वहां के हमारे जो ठिकानेदार हैं उनको लोगों ने भरमा दिया कि तुम आदिवासी हो जाओगे तुम्हारा शादी संबंध कोई करेगा नहीं तो हमने कहा भाई राणा पूजा के नाम से बनाने दो यार हमको ये करने दो लेकिन वो कोर्ट में गए वो नहीं हुआ हमारी आज भी इच्छा है कि वो एक मूर्ति लगे राणा पूजा का बहुत बड़ा योगदान रहा है आपके क्षेत्र में चिटफंड कंपनियाँ फ्रॉड करके निकल जाती हैं उनके कई ऐसे लोग हैं जिनके पैसे फंसे हुए हैं देखिए ये जो चिटफंड जो सवाल है ये वास्तव में सही है कुछ लोग प्रबुलन प्रलोभन दे करके ये कहते हैं कि तुम्हारा पैसा जल्दी दुगना हो जाएगा तुमको इतना लाभ मिल जाएगा इतना वो हो जाएगा उनको इस तरह से प्रेरित करते हैं कि वो कहता है साहब मैं तो अभी करोड़पति बन जाऊँगा और वो उसी लालच में पैसा उसमें डाल देता डाल देता और वो चले जाते हैं फिर उनको ढूंढता बिता वो मिलते नहीं है इस प्रकार की घटना होती है तो जनता में भी जागरूकता हो और सरकारी जो बैंक हैं सरकारी जो कंपनियां हैं उसमें अगर इन्वेस्ट करेगा तो उसको लाभ मिलेगा वो नहीं करना चाहिए और सरकार को भी इसको रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए आजकल तो हर दुकान पर बैठ के एक लोन दे रहे हैं चलो तो आप कहते हैं कि आपके क्षेत्र में अपराध कम हुए लेकिन आज भी छः बजे बाद जाड़ोल कोटड़ा फलाशा हम जाने तक डरते हैं कि कोई हादसा नहीं हो जाए और लूटपाट के पिछले आंकड़े देखें तो कई ऐसे हादसे हुए सरकारी मुलाजिमों की गाड़ियों तक पर हादसे होते हैं और अभी ये निरंतर जारी है तो किस प्रकार रोका जाए और आपने क्या प्रयास किया के लिए मैंने कई बार सवाल भी लगाए सवाल जवाब भी हुए और मंत्री जी ने ये कहा कि हम रोकने के लिए आईजी के स्तर पर बातचीत कर रहे हैं अभी मेरी विधानसभा में बातचीत तो मैंने कहा आपने तो कहा ना आई जी स्तर पर हम बातचीत कर रहे हैं आज भी रुक नहीं रहा मैंने कहा लोगों ने ग्रुप बना रखे हैं मोबाइल ग्रुप और वो ग्रुप में बताइए इस, इस नंबर के ग्रुप बना रखे हैं जिस पर वो चैलेंज करके अपराध करते हैं इसमें पुलिस की मिली बकत है पुलिस की नहीं रोक पाती है उनको पता है कि ये लोग अपराधी हैं तो रोकना चाहिए और पुलिस ने कहीं की कार्रवाई की है इसमें कोई दो राय नहीं लेकिन आज भी नए छोरे पढ़े लिखे हैं कुछ अब उनके पास कोई काम धंधा है नहीं और नहीं है तो एक जिस प्रकार की एक विचारधारा आई तो उन्होंने उसको और हवा दे दी और हवा देने के बाद उसको बता चलो अब हमारा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं और नहीं बिगड़ेगा तो उस अपराध की प्रगति में चले गए और चले गए तो आपने देखा होगा हमारे एक

एक पार्टी है उन्होंने भी अभी लॉन्चिंग कर दी है उनकी तो इससे आदिवासी क्षेत्रों में किस तरह आदिवासी वोटों का बंटवारा होगा भाजपा को कितना नुकसान हो सकता है कांग्रेस को कितना फायदा हो सकता है और इससे क्या समीकरण बनेंगे बिगड़ेंगे इसी बात के साथ में आज की वार्ता का समापन करते हैं देखिए बाप आवे माँ आवे मुझसे फर्क नहीं पड़ना है जो व्यक्ति मजबूती से विचारधारा के साथ खड़ा है वो जो खड़ा रहेगा कुछ हवा के लोग हैं वो जरूर भारत मुद्दे होते हैं उनमें थोड़ा बहुत चुकाव होता है लेकिन वो कुछ समय के लिए कभी भी जाति को लेकर के कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ा पूरे हिंदुस्तान के उदाहरण आप देख लीजिए लालू प्रसाद यादव देख लीजिए मायावती को देख, माया देख लीजिए इन सारे लोगों की क्या दुर्गति हुई आज कहाँ बैठे हैं ये कुछ समय के लिए एक हवा होती है जिसके कारण से लोग थोड़े दिन एक उनके सहानुभूति हो जाती है लेकिन उनको समझ में आता है कि ये स्थिर नहीं है और ये कोई स्थायी विकल्प नहीं है ये कहते हैं कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे कौन से कानून तुम ठीक कर दोगे सरपंच पंच तुम्हारा आदिवासी है सरपंच आदिवासी है प्रधान आदिवासी है प्रमुख आदिवासी है एमएलए आदिवासी है एम आदिवासी है फिर आदिवासी राज कौन सा लाओगे भैया ये तो बताओ ना किस बात की बातें करते हो

वामपंथ भी है ईसाई भी है मुस्लिम भी है तीनों मिल करके काम कर रही है थोड़ी बहुत सफलता मिली नहीं मिलेगी लंबे समय तक मैं डूंगरपुर बांसवाड़ा जाते रहता हूँ अब लोग कह रहे नहीं भैया समझ गए और डूंगरपुर डूंगरपुर से दो एम क्या निहाल कर लिया बता देना उनकी सड़कें भी तो मैंने देखी है क्या किया वो जन जनता सवाल पूछे ना सरकार के साथ मिले हुए थे ना सरकार का हिस्सा थे हम तो सरकार का हिस्सा नहीं थे लेकिन उनके यहाँ कौन सा परिवर्तन काश के सड़के बन गए वो बता दे मैं। और उन्होंने क्या किया वो पता नहीं क्या सरकार बचाने में क्या किया और राज्यसभा चुनाव में क्या किया वो किया नहीं वो दुनिया को पता नहीं क्या वो हमने नहीं किया हम नहीं कह रहे कांग्रेस के मंत्री बोल रहे हैं तो इससे जनता आदिवासी का भला हो जाएगा क्या जनता सवाल पूछे आज बड़ी बिल्डिंग हो जाती है साल भर में तो कौन से खेत में पैदा किया वो भी दिखता है ना मेरा रहन सहन ठीक नहीं है मेरा रहन सहन पहले के साथ ना आज के तब दुनिया देखती है ना मुझे अगर मेरा तुरंत परिवर्तन हो जाता है तो फिर अच्छा ठीक है मैं भी इतने बरसों से राजनीति कर रहा हूँ मैं तो मकान नहीं बना पा रहा हूँ अब बच्चे पढ़े लिखे वो सब मकान चाहिए हमको मैंने कहा धीरे धीरे करेंगे अब लोन लेके भी बच्चों के लिए करना तो पड़ेगा ना करेंगे तो अभी भी आप वैसे ही घर में रहते हैं जैसा कच्चा मकान जी आए थे रिपोर्टर बना दिया आपने उनको हाँ। और वो आपका मकान दिखा रहे थे तो क्या एक बार आप देख लीजिए किस तरह से आप, हम, को आप दिखा दीजिए दर्शकों दर्शक तो मुझे सब लोग जानते हैं जी। मैं मैं प्रधान था जब मकान बनाया वही मकान है उसी मकान में रहता हूँ क्योंकि आदिवासी परंपरागत से एक ही मकान में आया है और अलग रहना बच्चा अपना अलग एक झोपड़ी बना देगा दो मकान हाँ तो दो साथ रह सकते हो गया एक मकान और साथ में कभी खाट खाट अलग हो जाएंगे ये खाट मेरा ये खाट उनका ये खाट उनका ये हो जाएंगे बच्चों के तो बच्चे अलग अलग खाट हो जाएंगे कभी, अपने कभी है? वो आ, ऐसे कहते नहीं कि एक घर तो और बना दीजिए कम से कम तो पैसा तो बना के पैसा नहीं तो कहाँ से बनाओगे तो ये थे बाबूलाल जी खराड़ी अपनी ईमानदार छवि और अपने शांत स्वभाव के लिए काफी चर्चा का विषय रहते हैं जितने जनता के सवाल हमने एक कम्पेन कैंपेनिंग के जरिए कलेक्ट किए थे लोगों से मांगे थे पूछे थे लगभग लगभग हमने सारे सवाल पूछने का प्रयास किया है क्योंकि समय की एक पाबंदी है हम हर एक सवाल को नहीं ले सकते सम, सवाल को कोम्बो करके एक पेश किया था ये इंटरव्यू कैसा लगा आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में और मुझे दीजिए ज्यादा जी शुक्रिया धन्यवाद कैमरे के पीछे योगेश सुखवाल है धन्यवाद शुक्रिया